मध्य प्रदेश के सागर में कोई है जो उन बेटियों को बारिश के पानी से बचा रहा है जिनकी आर्थिक छत कमजोर है। जी हाँ, सागर के समाज से भी अनिल जैन नेंधरा ने MLB स्कूल में जाकर स्कूल की बेटियों को छाता वितरित किए। उन्होंने लगभग 1700 छाताओं का वितरण बालिकाओं के बीच में किया। अनिल जैन की माने तो उन्होंने जैन समाज के आचार्य श्री विद्यासागर के 50 साल दीक्षा के पूरे होने पर इन बालिकाओं को छाता वितरित किए हैं। उन्होंने संस्कृति, सभ्यता और हिंदी भाषा पर जोर देकर इन बालिकाओं को संस्कार बनने की बात भी की है। इससे पहले भी वो सरस्वती स्कूल और अन्य स्कूलों में 1 माह से छाता कन्याओं के बीच में वितरित कर रहे हैं। अनिल कहते हैं कि MP सरकार की स्कूल चले हम अभियान में कुछ मासूम बालिकाएं बारिश की वजह से स्कूल नहीं जा पाती, इसलिए जैन समाज की मंच और गुरु के आदेश पर हम इन बच्चियों को छाता वितरण कर रहे हैं। क्योंकि बरसात में और गर्मियों में बहुत सी बेटियां हमारी बारिश के कारण स्कूल नहीं आ पाती, तो हमारी जैन समाज का एक विचार हुआ कि हम लोग एक ऐसा पुनीत धर्म का काम करें तो हमारी बेटियों को हम छाता दें। अगर वो इस छाते की वजह से 10 दिन ही अतिरिक्त स्कूल आती हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कितनी छात्राओं को छाते हैं? लगभग ये विद्यालय में 1700 छात्राएं हैं, उन सभी को हम छाते हैं। समाज का एक तबका बिना राजनीति के जब जब इस तरह के पुनीत काम करता है तब तब आप यकीन जाने बदलाव जरूर होता है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।